अस्सलाम वालेकुम। तैयबा खान फूड सीक्रेट में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन की एक और नई रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरियाली चिकन। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg चिकन। इसे हमने धो लिया है, साफ कर लिया अच्छी तरह। 1 कप चॉप की हुई प्याज, और ये हमने हरा मसाले का पेस्ट बनाया है। इसमें शामिल है 2 कप हरा धनिया, 1 कप पुदीना, 6 से 7 अदद हरी मिर्ची। इसका हमने ब्लेंडर में पेस्ट बना लिया है। 1 कप ऑयल, 6 से 7 अदद हरी मिर्ची, इसका भी हमने अलग पेस्ट बना लिया है। और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया, 1 पाव दही, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, इसको हमने बारीक काट लिए, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 अदद लीमू। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे। के बाद चॉप की हुई प्याज, प्याज को लाइट ब्राउन करना है, चम्मच चलाते जाएं अच्छी तरह। प्याज का कलर चेंज हो गया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे प्याज में। इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे अच्छी तरह। दो से तीन मिनट हो गए अदरक भून के। अब इसमें हरी मिर्ची भी पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक के बाद हमने हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल कर दिया था, इसे भी 1 से 2 मिनट भून लें अच्छी तरह। दो से तीन मिनट हमने भून लिए। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। चिकन का कलर जब तक चेंज ना हो, जब तक इसको भून लें। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें शामिल करेंगे दही को अच्छी तरह फेंट लें। अभी शामिल करेंगे आधा दही और आधा बाद में शामिल करेंगे। अभी इसे अच्छी तरह भून लें चिकन में डाल के। दही अच्छी तरह मिक्स हो गया है चिकन में। अब इसको ढक्कन ढक के मीडियम आंच पर, जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाए, तब तक इसको पकाने के लिए रख दें। दही का पानी खुश्क हो गया है, अब इसको तेज आंच करके ये मसाले शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया, ये सब शामिल करके इसे अच्छी तरह भून लें। अब इसमें शामिल करेंगे जो हमने दही बचाया था, वो भी शामिल कर लेंगे।
इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें चिकन में। दो से तीन मिनट हो गए चिकन भून के। अब इसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची का ये सब जो पीसा था मसाला, ये शामिल करेंगे। हरा मसाला इसे मिक्स करके चिकन में हरा मसाला शामिल करके और ढक्कन ढक के इसको दरमियानी आंच पे 5 मिनट के लिए रख दें। इसको अच्छी तरह भून लें तो देखिए पानी खुश्क होने वाला है। अब इसके बाद नींबू डाल लेंगे, अच्छी तरह निचोड़ लें इसको, नींबू का रस शामिल कर दें। मिक्स कर लें इसको नींबू के रस को। कसूरी मेथी शामिल करेंगे और अदरक। इसे 1 मिनट के लिए दम पर रख दें। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हरियाली चिकन हमारी तैयार है, अब इसे डिश आउट करेंगे। हरियाली चिकन तैयार है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।